आज हम लोग सीपी ग्राम पोर्टल के बारे में जानेंगे। सीपी ग्राम पोर्टल किसी भी स्थान से सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और नागरिकों को विभागों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन ट्रैक करने के भी सुविधा प्रदान करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सीएससी के डीएसपी पोर्टल के माध्यम से कैसे इसे हम लोग प्रोसेस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डीएसपी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और डिजिटल सेवा पोर्टल पे जैसे ही लॉगिन हो जाता है यूजर आईडी और पासवर्ड के बाद, उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होता है डैशबोर्ड का, डीएसपी पोर्टल का जो डैशबोर्ड है उसमें आपको सर्च करना है सीपी ग्राम। सीपी ग्राम सर्च करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो इस तरह से है। इसमें आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दे रहा है डिजिटल सेवा कनेक्ट का, इस पे क्लिक करते हैं। डिजिटल सेवा क्लिक करने के बाद जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको ऑथराइज करने के लिए, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, इसमें कंप्लेन लॉज करने के लिए दिया हुआ है, इसमें एक ऑप्शन दिया है लॉज पब्लिक ग्रीवांस, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे आरटीआई मैटर्स हैं, कोर्ट रिलेटेड मैटर्स हैं, रिलीजियस मैटर्स हैं और जो भी सजेशंस वगैरह इसमें जो नीचे ऑप्शंस में दिए गए, ये सब चीजें इस कैटेगरीज में नहीं आती है। इन टॉपिक्स को आपको ग्रीवेंस में नहीं लिया जाता है, तो इन विषयों के अलावा जो विषय है उस पर आपको जाना है। फिर आप आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, विभाग, डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उनके आइकन्स बने हुए हैं, आप चाहें तो अगर जो दिखाई दे रहा है तो इसमें आइकन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिखाई दे रहा तो आप नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन दे रहा है सर्च के लिए, मोर पे क्लिक करना है। वहां पे फिर से अलग अलग विभाग के लिस्ट खुल जाएगी, इनमें से जो आपको सर्च करना है वो सर्च करके आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब वहां पे क्या करना है, अब वहां पे सिंपल सा एक तरीका है। अब आप जैसे ही क्लिक करते हैं उस विभाग को तो उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा और उसमें कुछ कुछ कैटेगरीज मांगी गई हैं, जैसे डिपार्टमेंट क्या कैटेगरी का कंप्लेंट्स है, आपका किस लेवल के लिए मतलब किस लेवल के लिए आप कंप्लेंट डालना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस का प्रोफाइल्स वगैरह कुछ कुछ पूछ सकता है। ये सब चीजें सेलेक्ट करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिलेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है बस सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीवांस लिखने का। अब यहाँ पे जो भी आपका संबंधित शिकायत है उसके शिकायत की जानकारी पूरी, कब से है, क्यों नहीं हुई है, क्या दिक्कत आ रही है और कौन नहीं सुन रहा है, इस तरह के विषय इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए, अगर आपसे कोई रिश्वत लिया है या फिर किसी भी तरह की कोई भी बात हुई है, इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अटैच करने का। कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है तो ये प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रूफ लगाने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद ये सारी चीजें आपके सामने एक बार फिर से दिखाई जाएगी। और इसके बाद अब आपको जो भी आपके मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका नाम है, ये सारी चीजें भर देनी है। ये सब चीजें भरने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है, पेमेंट वॉलेट के थ्रू डिडक्शन होगा, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा आपका जो ग्रीवांस है। उसके बाद ग्रीवांस नंबर मिलता है जिसको आप कभी भी आप ऑनलाइन और डीएसपी पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं।